गला सुन सकते हैं केस के अंदर है। इतना अंधेरा है, नाइट वीडियोग्राफी सारा कुछ अभी हम इस अंधेरे में टेस्ट करेंगे, बहुत ही लाजवाब है। जो मैं आपको बता रहा था जिस मॉडल का लॉन्चिंग ले आए थे, आप देख सकते हैं ये हमने हेतान के पानी में डाल दिया ये फोन को। ये डिवाइस आप देख सकते हैं, ये कौन सा डिवाइस है। मुझे एक कंपनी ने इनवाइट किया वियतनाम जाने के लिए उनका एक मॉडल लॉन्चिंग के लिए, तो बस क्या था मैंने अपना पासपोर्ट उठाया, बैकपैक किया और चल दिया बागडोगरा एयरपोर्ट की ओर। एयरपोर्ट पे पहुंच के मैंने अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया और फिर मैं चल दिया वियतनाम जाने के लिए। मेरा फर्स्ट फ्लाइट था बागडोगरा से लेकर कलकत्ता तक, और कलकत्ता से मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट था हनोई के लिए जो वियतनाम का कैपिटल है। और कुछ ही देर में मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पर लैंड किया और फिर क्या था मैं वेट किया कुछ देर के लिए, मेरा नेक्स्ट फ्लाइट जो है हनोई के लिए था। तो कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचते ही मेरे पास काफ़ी टाइम था क्योंकि मेरा फ़्लाइट रात को 10 बजे था हनोई के लिए और मैं 7:30 बजे तक एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था। लगेज कलेक्ट नहीं करना था मुझे क्योंकि मेरा लगेज ऑलरेडी कनेक्टेड था हनोई के लिए। और फिर मैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की ओर बढ़ चला जहाँ पर मेरा इमिग्रेशन चेक हुआ और फिर फाइनली हनोई के फ़्लाइट के लिए बैठ गया रात को 10 बजे। और रात को करीब 2 बजे वियतनाम के टाइम के अनुसार मैं हनोई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। और वियतनाम का टाइम इंडियन टाइम से 90 मिनट्स फास्ट होता है। और फिर मैं चल पड़ा अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो कुछ देर इंतज़ार के बाद मुझे अपना लगेज मिल गया, फिर मैं लगेज लेके अपना इमिग्रेशन कंप्लीट करने को चल पड़ा। मैं बहुत एक्साइटेड था इस मॉडल लॉन्च के लिए, तो ये कंपनी ने मुझे इन्वाइट किया था वियतनाम हनोई पे। और इमिग्रेशन के बाद मैं चल पड़ा अपना होटल पे चेक इन करने के लिए जहाँ पे मेरा रूम पहले से बुक्ड था। तो मैं बहुत थक चुका था ट्रैवल करके, तो मैंने जल्द से होटल पे चेक इन किया, अपना रूम का की कार्ड लिया और चल पड़ा अपने रूम की ओर। तो ये होटल है पैन पैसिफिक होटल जो है हनोई पे है, वियतनाम के कैपिटल सिटी पे। तो मैं रूम पे इंटर किया करके मैंने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार रूम है ये एक, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो सबसे पहला काम मैंने लगेज रखने के बाद किया, मैंने थोड़ा सा बैठ कर रिलैक्स किया। तो ये रूम बहुत ज़्यादा लग्जरियस था और रात का 3 बज रहा था इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो मैंने थोड़ा सा बैठ कर रिलैक्स करके अपना मोबाइल पे होटल का वाईफाई कनेक्ट किया ताकि जो आप कमेंट्स करते हैं प्यारा प्यारा वो सब मैं देख सकूँ और रिप्लाई कर सकूँ। तो मैंने आप सभी का कमेंट्स को रिप्लाई किया, जो जो प्यारा कमेंट्स आपने किया था उसको लाइक किया। फिर मैं चल पड़ा वॉशरूम की ओर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए क्योंकि कल सुबह मुझे सिटी टूर पे जाना था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जो कंपनी ने मुझे इन्वाइट किया था उनका मॉडल लॉन्चिंग जो है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और ये आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहोगे आपको भी मालूम चल जाएगा कंपनी का नाम और कौन सा मॉडल मैं लॉन्चिंग करने के लिए गया हुआ था। और फिर मैं चल पड़ा सोने के लिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और टाइम हो चुका था 4 AM ऑलमोस्ट सुबह का। और फिर मैं जाके थोड़ा सा सो के जब मैंने सुबह उठा तो मैंने अपना रूम से देखा ये ब्यूटीफुल नज़ारा, तो मैंने सोचा ये मैं आप सबको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है दोस्तों आप देख सकते हैं। और बिल्कुल मेरे होटल के बगल में एक ब्यूटीफुल लेक भी है, तो ये लेक का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है गाइस। तो बस मुझसे रहा नहीं गया तो मैं सोचा कि चलो अब ये नज़ारा सामने से जाकर देखा जाए। तो ये नज़ारा देखते हुए मैंने एक कप ऑफ टी लिया और चल पड़ा होटल के बाहर। ये देख सकते हैं आप मेरा होटल का बाहर से ये मेरा पिक है। और फिर मैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए चल पड़ा। ये होचिमिन है हनोई सिटी पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे वियतनाम ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। ये हनोई सिटी के बिल्कुल बीच में है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है वियतनाम पीपल्स के लिए क्योंकि उनका इंडिपेंडेंस जो है इसी जगह से उन्होंने डिक्लेयर किया था, अपना देश को आज़ाद घोषित किया था इसी प्लेस से। तो ये बहुत ही एक हाई अलर्ट प्लेस है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिला इस जगह पे और हर जगह पे एंटर करना अलाउड भी नहीं था। और बिल्कुल इसी प्लेस के बगल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट टेम्पल था, तो मैंने सोचा कि उस जगह को भी आपको दिखाया जाए। तो मैं खुद भी चल पड़ा उस ब्यूटीफुल टेम्पल को देखने के लिए
और मैं पहुंचा तो बहुत ही ख़ास था ये जगह। और जो स्पेशल एक बात इस कंट्री के बारे में ये है कि यहाँ पे 80% लोग कोई रिलीजियन को नहीं मानते हैं। जी हाँ, वियतनाम में 80% लोग कोई रिलीजियन को नहीं मानते हैं, और बाकी के 20% लोग 10% क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और 10% बुद्धिस्ट है। तो उसके बाद मैं उनका ये म्यूज़ियम पे गया, इस जगह को एक्सप्लोर किया। बहुत ही ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही क्लीन टी है ये हनॉय का। फिर मैं चल पड़ा एक स्पेशल एंड वेरी फेमस प्लेस को देखने के लिए, जिसे कहा जाता है ट्रेन स्ट्रीट। जी हाँ गाइस, वियतनाम का हनॉय सिटी का सबसे फेमस प्लेस जिसे ट्रेन स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। आपने भी बहुत सारा वीडियोस में देखा होगा ये प्लेस को, जहाँ पे ट्रेन गुजरता है और बाकी दुकानदार लोग अपना सामान उठा लेते हैं। और फाइनली हम पहुँच गए ट्रेन स्ट्रीट, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था गाइस। फिर इसके बाद हम यहाँ से वापस जाके होटल पे मैंने पूल पे थोड़ा इन्जॉय किया, थोड़ा रिलैक्स किया, और निकल पड़ा स्पेशल मॉडल को लॉन्च करने के लिए। और मैं पहुँच गया निनबिन, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आपको मैं अभी सारा कुछ दिखाऊंगा, और इस प्लेस पे मैं लॉन्च करने वाला हूँ द स्पेशल डिवाइस दैट वी आर वेटिंग फॉर। जो मैं आपको बता रहा था, जिस मॉडल का लॉन्चिंग लिए आए थे, आप देख सकते हैं, ये हमने वियतनाम के पानी में डाल दिया ये फोन को। तो ये डिवाइस आप देख सकते हैं, ये कौन सा डिवाइस है, ये है रियलमी का न्यू नोट 13 सीरीज। अब इससे जूम करके आप लोगों को दिखाएंगे इसका जूम। तो ये पहाड़ का ऊपर जो घास दिख रहा है ना, उसको भी हम देखेंगे क्या है वो। तो अभी हम फोटो मोड में जाते हैं, और देख सकते हैं वेट 100 से 100% काम कर रहे हैं। ये है कहानी, चलिए चलते हैं पहाड़ के अंदर, चलते हैं और अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं हम जूमिंग पावर, ये देखिए आप इतना दूर है पहाड़, इस पे अभी हम घुस जाएंगे। ये चले गए चले गए चले गए, ये देखिए और ऊपर में एक मंदिर है या कुछ भी है, यहाँ तक हम पहुँच गए। दिस इज द जूमिंग पावर ऑफ दिस डिवाइस, और लुक्स के मामले में बहुत ही शानदार। इसी के बीच में मैं आपको ये मॉडल फर्स्ट लुक दिखा रहा हूँ, नोट 13 प्रो। तो जी हाँ, रियलमी नोट 13 प्रो, स्टाइलिश, स्लिम, एंड ऑफ कोर्स वाटर रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। बकेट का पानी में कहीं भी, अब मैंने समुंदर का पानी में इसको डुबा लिया। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं ये है डिवाइस नोट 13 प्रो। देख सकते हैं अभी हम गुजरे हैं ये दो पहाड़ के बीच से विथ दिस ब्यूटीफुल नोट 13 प्रो। तो जी हाँ, ये डिवाइस आपको बहुत ही एक अच्छा फ्लेक्सी फीचर्स के साथ सेफ और सेफ डिवाइस में मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है डिवाइस शानदार ब्यूटीफुल स्लिम नोट 13 प्रो। और अभी आप देख सकते पहाड़ के बीच से, तो यहाँ पे अब पहले देखिए कितना दूर है, जो हमें नॉर्मल नहीं दिख रहा है। ब्राइटनेस आपके लिए मैं बढ़ा देता हूँ, देख सकते कुछ नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही हम जूम करते हैं पर भाई कुछ तो है। ये आप देख सकते हैं एक गेट है, ये आप देख सकते हैं एक गेट है, और इसके अंदर और अंदर हम जा सकते हैं। एक्चुअली बोट काफ़ी शेक कर रहे हैं। ये है इस फोन का कमाल, ये देख सकते हैं एक आदमी को। तो ये है डिवाइस रियलमी नोट 13 जो वियतनाम पे लॉन्च था, जो मैं आपको बता रहा था कि समथिंग बिग इज कमिंग, समथिंग बेटर इज कमिंग, और दिस इज समथिंग बेस्ट, दिस इज समथिंग बेस्ट दैट हैज केम। तो देख सकते हैं, हल्ला सुन सकते हैं, केव के अंदर में हम ये है, ये लाइट देख सकते हैं, इतना अंधेरा है, बस मैंने अपना ग्लासेस भी उतार लिया, मतलब एक्सपीरियंस जो है ना लाजवाब। और इसके साथ ही जो अभी मॉडल हम लोग आया है नोट 13 प्रो, बिल्कुल उसी की तरफ लाजवाब एक्सपीरियंस। नाइट वीडियोग्राफी सारा कुछ अभी हम इस अंधेरे में टेस्ट करेंगे, बहुत ही लाजवाब है। देखिए आप उसका लो लाइट फोटोग्राफी आप समझ सकते हैं, अंधेरा में भी क्लियर वीडियो हो सकता है। ये फोन है नोट 13 प्रो, इस फोन का लॉन्चिंग हो रहा है वियतनाम में, जहाँ पे हम आए हुए हैं, नोट 13 प्रो इन दिस ब्यूटीफुल रिवर ऑफ वियतनाम।
और अब देखिए हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है और साथ में हम ये यहाँ पे इस मॉडल का टेस्टिंग लॉन्चिंग सारा कुछ इसी जगह पे कर रहे हैं। और ये आप देखिए ये है नोट 13 प्रो द वाटरप्रूफ फोन वाटरप्रूफ डिवाइस लॉन्च एट वियतनाम बिगेस्ट लॉन्च ऑफ रियलमी इट्स कॉल्ड नोट 13 प्रो। और मैंने कुछ देर तक बोट चलाया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था इस मॉडल को देखकर क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस था विथ स्टाइलिश लुक और कैमरा लाजवाब कैमरा जूमिंग फीचर्स के साथ और बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर भी था इस डिवाइस पे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था इस डिवाइस को क्योंकि रियलमी ने मुझे मौका दिया था इस डिवाइस को लॉन्च करने के लिए वियतनाम निनविन के इस स्पेशल रिवर पे। और फिर मैं पहुंच गया हेलोंग बे पे जहां पे इस क्रूज पे मैं चढ़ गया और मैं इस डिवाइस का अल्टीमेट पावर को टेस्ट करने के लिए और जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं पीछे इस माउंटेन पे जूम करके इस जो फ़ोन है ये फ़ोन का स्पेशल खासियत को आप सबके सामने लाने के लिए मैं इस क्रूज़ पे चढ़ के हेलोंग बे पे ट्रैवल कर रहा था। और आप देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश बहुत ही प्यारा ये रियलमी ने डिवाइस को लॉन्च किया है। तो मैंने अपना नाम का टी शर्ट पहन के हेलोंग बे पे हाथ फैला के थोड़ा ईयर को महसूस किया और थोड़ा सा फील किया इस जगह को। फिर मैंने एक स्टैंड पे मोबाइल को कनेक्ट किया और आप देख सकते हैं ये वैसे यही डिवाइस है जो मैंने यहाँ पे लगा के अपना टेस्टिंग चालू किया सबसे पहले। तो मैं बेसिकली यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ इस डिवाइस का जो जूमिंग है उसके साथ मैं कंपेयर करने वाला हूँ DSLR को। तो जी हाँ आपने सही सुना यहाँ पे मैं एक DSLR एक अपना फ्रेंड को दे के रखा हूँ और आप देख सकते हैं DSLR का जो जूमिंग है उससे बहुत 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 ही ज़्यादा जूमिंग पावर है हमारे इस रियलमी का नोट 13 प्रो मॉडल पे। और सिर्फ जूमिंग ही नहीं क्वालिटी भी बहुत ही खास है अगर हम कंपेयर करें DSLR का, क्योंकि अभी तक हम जानते थे कि DSLR जो है वो एक चीज़ है जिससे सिर्फ वीडियोग्राफी हो सकता है, मोबाइल पे DSLR से कंपीट करने के लिए कोई कैमरा अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। बट रियलमी ने इस डिवाइस पे इतना शानदार कैमरा क्वालिटी दिया है और इतना शानदार जूमिंग फीचर्स दिया है कि आप DSLR को भी भूल जाओगे गाइस। तो आप देख सकते हो नॉर्मल आंखों से हमें दिख भी नहीं रहा है जब हम जूम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बोट का अंदर तक मैं घुस जा रहा हूँ, मतलब जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रहा है जो एकमात्र बाइनोकुलर से यानी कि दूरबीन से देखा जा सकता था अब वो चीज़ रियलमी का इस न्यू लॉन्च डिवाइस से देखा जा सकता है। तो मैं बहुत टेस्ट किया दोस्तों इस डिवाइस को और मैंने देखा कि बहुत ही एक शानदार डिवाइस रियलमी ने लॉन्च किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश था इस डिवाइस को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं दूसरे बोट पर कोई फोटोग्राफी कर रहा है और मैं अपने बोर्ड से उसका फोटोग्राफी कर रहा हूँ इतने दूर से कि आप अगर नेकेड आईज से देखोगे तो ये बंदा वो उस अपना क्रूज पे खड़ा है ये मालूम भी नहीं चलेगा। जी आप देख सकते हो अगर मैं जूम आउट जब करूँगा ये देख सकते हो ये एक है जहाँ पे दो लेडीज अपना वीडियो फोटोग्राफी कर रहे हैं अपने क्रूज पे और मैं अपना क्रूज से उनका वीडियो बना रहा हूँ। ये इतना डिस्टेंस पे है जहाँ पे नेकेड आईज से देखना पॉसिबल भी नहीं है गाइज। तो ये जो शानदार रियलमी का डिवाइस है ये आपको मिल जाएगा मोमेंट एंटरप्राइज में नोट 13 प्रो। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल केव है ये वियतनाम में, नेचुरल डिजाइन। तो ये जो नोट 13 डिवाइस है ये मोमेंट एंटरप्राइज में अवेलेबल है विद द बिगेस्ट डिस्काउंट एंड बिग ऑफर। आइए और अपना बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हैव अ गुड डे।